पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां पर कुल 117 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में 28% वोट। लेकिन ये देखिए, आप यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई, 41% वोट आपको मिले हैं। अकाली और गठबंधन को 19% वोट, जबकि बीजेपी को मैं 7% और अन्य को 5%। यानी कि आप यहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज गया है। और साथ ही अब आपको सीटों के लिहाज से भी दिखा देते हैं कि कुल 117 सीटों में आपको यहां पर कितनी सीटें हासिल हो रही हैं। अनुमान के मुताबिक यहां पर आपको हासिल हो रही हैं 76 से लेकर 90 सीटें, यानी कि पूर्ण बहुमत की ओर आम आदमी पार्टी यहां पंजाब में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 19 से 31 सीटें, जबकि अकाली दल प्लस को 7 से 11 सीटें, बीजेपी प्लस को 1 से 4 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 2 सीटों का अनुमान इस एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखी जाए तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप उभरी है। और जिस तरीके से यहां पर किसको कितनी सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये दरअसल गठबंधन के तौर पर देखिए कि यहां पर बीजेपी ने गठबंधन किया पीएलसी से, उस लिहाज से किसको कितनी सीट मिली। वहीं कांग्रेस को ये तमाम वो आंकड़े जिससे ये मालूम चलता है कि वहां पंजाब की तस्वीर किस तरीके से अब इस बार बदल गई है, बदलाव की ओर पंजाब बढ़ रहा है। और यही बात लगातार वहां के वोटर्स भी कह रहे थे कि हम वहां पर बदलाव देखना चाहते हैं, और ऐसे में जो तमाम गठबंधन किए गए वो कहीं ना कहीं फेल दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत जोर शोर से वहां पर आपकी ओर से प्रचार किया गया, भगवत मान को सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया। और अब देखिए, हो सकता है कि अगर यही नतीजे आए तो भगवंत मान पंजाब के अगले सीएम हो सकते हैं। पंजाब के एग्जिट पोल से साफ है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरी सभी पार्टियों का सफाया कर दिया है। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। अकाली दल को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सत्ता की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने वर्षों पुरानी सियासी पार्टियों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। मैं काफी सैटिस्फाइड हूं कि क्योंकि लोगों का फतवा इतने आज देखना है, लोगों का फतवा जिहड़ा इन्हां मशीनां दे विच पिया है। ते 10 तरीक नूं नतीजे आउणगे, बाकी जो भी जनता का फैसला होगा वो सिर मत्थे होगा। अब ये जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख। एग्जिट पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7% वोट मिलने का अनुमान है। पंजाब के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने से भगवंत मान का सीएम बनने का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकार चलाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हमें ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मालवा की पार्टी है, माझा और द्वाबा में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भगवंत मान साहब की लीडरशिप में, हमने पहले दिन से सारा काफी फोकस माझा और द्वाबा में भी किया और आज वो नतीजे नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी मायूसी लेकर आए हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के दलित चेहरा का दाव खेलने के बाद भी कांग्रेस बहुमत से बहुत दूर खड़ी दिखाई दे रही है। साल 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, लेकिन इस बार कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना सिर्फ सपना होता दिखाई दे रहा है। आज तक की रिपोर्ट।